टाइप ऑफ लिगेंड बोलने का मतलब ही यही है जो आपने पहले भी पढ़ा है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक चीज है, आपका कंफ्यूजन क्यों अराइज होता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन सम एट सम प्लेसेस, और मे बी यू हैव स्टडीड इट इन एडवांस, राइट? बट व्हेन आई एम टीचिंग इन स्टेप वाइज मैनर, ओके? सो यू ऑलवेज कम विद सम सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच यू ना, आप लोगों को लगता है कि आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन स्टेप वाइज मैनर, देन यू आस्क द क्वेश्चंस, ओके? So then again came the question of the pairing energy, because when we move from D3 to D4 electronic configuration, then we have to decide whether the electron will occupy the lower T2g orbital. That means will there be pairing of electron, or will the electron will be going to eg orbital? Okay. So there we have to take into account pairing energy. Okay. So first of all, let us understand that pairing energy depends on which factors. It depends on two factors. One is the electrostatic repulsion and other is the loss of exchange energy. Okay, so I guess all of you understand that what is electrostatic repulsion and how it is relevant. Because अगर आपका D4 सिस्टम है, आपने तीन इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में रखा है, एक इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में रखा है, दिस अरेंजमेंट इज समथिंग विच हैज मिनिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बिकॉज एवरी ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, राइट? बट व्हेन यू पुट टू इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल एंड पुट ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल फॉर अ D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इन दैट केस अगर आपने एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को पुट किया है विद ऑपोजिट स्पिन्स, देन ऑल्सो यू विल बी देयर विल बी सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ओके? सो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई कराना है, पेयरिंग करानी है इलेक्ट्रॉन की, तो पहला फैक्टर जो हमें कंसिडर करना होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ओके? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल, ओके? ये तो अंडरस्टूड है, इफ द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इज वेरी स्मॉल एंड यू आर पुटिंग टू इलेक्ट्रॉन्स देयर, सो देयर विल बी मोर रिपल्शन. अगर आपका डी ऑर्बिटल मोर डिफ्यूज्ड है, दैट मींस ज्यादा बड़ा है, तो देयर यू विल बी हैविंग लेसर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. एंड दैट इज वाई जब हम 3D से 4D से 5D कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है. क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी घटती जाती है. पेयरिंग एनर्जी क्यों घटती है? 3D से 4D से 5D में आने पे एक चेंज है जो बहुत ही एविडेंट है, दैट इज द साइज ऑफ ऑर्बिटल, ओके? अगर हम 3D से 4D टू 5D में आते हैं तो डी ऑर्बिटल डिफ्यूज होता जाता है. डिफ्यूज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स विल बी हैविंग अ लार्जर स्पेस टू ऑक्यूपाई, राइट? दैट मीन्स देयर विल बी लेसर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. दैट So electrostatic repulsion first of all depends on the fact that what is the size of the d orbital, okay? We will be studying the factors affecting crystal field splitting. वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम लोग 3D से 4D से 5D में जाते हैं तो low spin complexes बनाने की tendency बढ़ती जाती है, ठीक है? So इसका एक reason ये भी है कि size of d orbital बढ़ता जाता है, electrostatic repulsion घटता जाएगा. जितना repulsion घटेगा, that means it will be easier to put two electrons in the same orbital, right? That means pairing energy घटती जाएगी, right? तो pairing energy घटेगी तो electrons को pair up करना आसान हो जाएगा. So that is why the low spin complexes are more common in higher transition metals. That means the 4D and 5D series. ये एक question भी आता है निकेल पैलेडियम प्लैटिनम का. मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस के समय भी बताया था कि निकेल के पास फ्रीडम है, वो डिफरेंट ज्योमेट्रीज के कॉम्प्लेक्स बनाता है. ऑक्टाहेड्रल भी है, टेट्राहेड्रल भी है, स्क्वायर प्लेनर भी है, बट पैलेडियम और प्लैटिनम के ज्यादातर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ठीक है? सो इट इज वन ऑफ द रीजन दैट दे आर मोस्टली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ओके? सेकेंड फैक्टर, डिग्री ऑफ कोवेलेंस इन द मेटल लिगेंड बॉन्ड, ओके? So electrostatic repulsion, the first factor on which it depends is the size of d orbital, and the second factor is degree of covalence. So can anybody relate that what should be happening with the pairing energy if we increase the degree of covalence? मतलब अगर हम metal ligand bond में covalent character को increase करते जाएंगे, so क्या होना चाहिए pairing energy के साथ? Mam, it should increase. Pairing energy should increase. Any other Yes, answer? ma'am.
इंक्रीज मैम। निवेदिता आपने लिखा है डिक्रीज, यस। सो एक्चुअली आंसर करेक्ट है डिक्रीज, यस। बट कैन एनीबडी से दैट व्हाई इट शुड डिक्रीज? इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ पेयरिंग एनर्जी डिक्रीज करता है। पेयरिंग एनर्जी विल डिक्रीज देन ओनली पेयरिंग वुड अकर एंड कोवेलेंसी एक्चुअली मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ पेयरिंग एनर्जी विल डिक्रीज देन ओनली देयर इट वुड बी इजियर टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स और इट वुड बी इजियर टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल। ओके, सो इट इज अ नाइस अप्रोच, बट वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड। इफ वी हैव सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर इन सर्टेन काइंड ऑफ बॉन्ड, दैट मीन्स द मेटल इलेक्ट्रॉन आर एक्सपेंडेड अप टू द लिगेंड, दैट इज व्हाई कोवेलेंसी इज देयर, दैट मीन्स देयर आर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। दैट मीन्स यू आर इन अ वे प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा स्पेस फॉर योर इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। Are you getting this point? Suppose what do we mean by the covalence? That means there is a significant overlap between the metal and the ligand orbital. ठीक है, मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल को अगर ओवरलैप करके सपोज आप स्पेस की तरह ही लीजिए ऑर्बिटल को, तो हमने एक बड़ा स्पेस क्रिएट किया, दैट इज वाई दोनों के इलेक्ट्रॉन वहां पर अकोमोडेट हो सकते थे। ठीक है, सो इन अ वे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड जो कि पहले मेटल पे सेंटर्ड था, इट इज नाउ समवॉट पोलराइज टुवर्ड्स द लिगेंड, राइट। सो दैट मीन्स देयर इज इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन हुआ, दैट मीन्स नेचुरली रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स का था, जब वो केवल और केवल मेटल ऑर्बिटल में ही लिमिटेड थे, वो डेफिनेटली घट जाएगा, राइट। सो दिस विल बी डिक्रीजिंग द पेयरिंग एनर्जी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, पाई एसिड लिगेंड समझते हैं, वॉट इज पाई एसिड लिगेंड, यस मैम। कौन सा है पाई? मैम दो है, ओके। इज एनी देयर एनी मैम, कंफ्यूजन? यस एक बार फिर से मैम क्या अनुकूल आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। हाँ मैम जब ओवरलैप बढ़ जाएगा तो रिपल्शन भी तो बढ़ जाएगा ना। नहीं, ओवरलैप क्या, देखो ओवरलैप बढ़ने का पहले, अगर मानो मान लीजिए इफ यू हैव अ पॉजिटिव मेटल सेंटर, इट इज नॉट सराउंडेड बाय लिगेंड, और ये केवल लिगेंड से सराउंडेड है नेगेटिव चार्जेस से, केवल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज मोस्टली सेंटर्ड है पॉजिटिव सेंटर पे, नेगेटिव जो चार्ज जो है पार्ट है वो नेगेटिव सेंटर पे, जिसमें आपका लिगेंड पे सेंटर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से बॉन्डिंग थी, ठीक है। इसी में हम लोग जब बताते हैं कि चार्ज क्लाउड पोलराइज होता है, तो वही चीज होती है कोवेलेंसी आना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में या कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड का यही मतलब है कि आपका चार्ज क्लाउड एक जगह सेंटर्ड ना रह के दूसरी तरफ पोलराइज हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट नाउ, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मेटल भी अपना कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, लिगेंड भी अपना कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, शेयर कर रहा है। सिंस इलेक्ट्रॉन आर मतलब पूरी तरह से पार्टिकल की तरह नहीं हम लोग ट्रीट कर सकते, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज क्लाउड। सो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन पहले पूरी तरह से मेटल पे ही सेंटर्ड था, नाउ इट इज बीइंग शेयर्ड बाय द लिगेंड। वी आर टॉकिंग अबाउट द पेयरिंग एनर्जी ऑफ द मेटल आयन, राइट। सो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आयन। सो जो मेटल आयन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन्स व्हिच वेयर अर्लियर सेंटर्ड एट द मेटल सेंटर,
नाउ दे आर एक्चुअली गेटिंग मोर स्पेस बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिगेंड. दैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड जो मेटल का था दैट इज एक्चुअली बीइंग समवॉट यू नो समवॉट एक्सपेंडेड टुवर्ड्स द लिगेंड टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड. दैट देन ओनली कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में देयर विल बी इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी. यही है कोवेलेंट बॉन्ड. जो हम एम और एल को हम पर्टिकुलर बॉन्ड से दिखाते हैं, बॉन्ड की जगह वो बेटर है कि हम इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज चार्ज डेंसिटी बोले. इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन अब इंटर न्यूक्लियर रीजन में मेटल को छोड़ के या मेटल का कुछ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड जो इंटर न्यूक्लियर रीजन में आ गया है दैट मीन्स इट इज एक्चुअली गेटिंग एक्सपेंडेड. ओके जस्ट लेट मी शेयर दी व्हाइट बोर्ड, आई थिंक देन विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड. ओके मैम डिग्री ऑफ कोवेलेंस क्या बता रही है मैम, नहीं समझ आ रहा है थोड़ा. डिग्री ऑफ कोवेलेंस इज हाउ मच कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन योर मेटल लिगेंड बॉन्ड. देखो मैं पहले ही बोला था कि 100% आयोनिक और 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता नहीं है. ठीक है, ऑलवेज वी स्टडी इट ऑन अ स्केल ऑफ परसेंट आयोनिक कैरेक्टर और परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर. इतना समझ में आता है? यस मैम. ओके सो डिग्री ऑफ कोवेलेंस का मतलब है मेटल लिगेंड बॉन्ड में जो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ये कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज अ कम्प्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, बट एक्चुअली हाउ मच अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन द मेटल लिगेंड बॉन्ड. इतना समझ में आया? ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं डिग्री ऑफ कोवेलेंस. इतना समझ में आया कि हाउ मच कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन द मेटल लिगेंड बॉन्ड? ओके यस मैम. ओके सो जस्ट वेट अ सेकेंड, एक्चुअली आई एम कनेक्टिंग माई अदर लैपटॉप, इट वॉज एक्चुअली डिस्चार्ज, दैट इज आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट इट थ्रू दे. Just wait a second. Okay, so yes, so I was talking about the degree of covalence. Let me start the whiteboard and I think then it will be better, I will be can explain it in a better way. Okay. Ma'am, this concept of covalency, we can relate it with Fazan rule, like in obviously there was covalency. Yes, covalency is always we can relate that is the covalency. No, there is the charge cloud is not polarized or expanded, that is the Fazan's rule. Okay, so definitely we can relate it to the Fazan's rule. It is only I didn't think that itna ye difficult hoga aapke liye samajhna. Okay, so I think that now the whiteboard is visible. So I was saying this is your metal and this is your ligand. Just we consider it in this way. Okay, the originally electron charge cloud, as long as we were considering the electrostatic interaction, the metal was located around the metal and the ligands was located around the ligand, right? That is the ki yahan ke beech mein jo attraction hoga aur repulsion jo bhi forces honge, but it was purely electrostatic, right? That is what we understood. Now we said that when the covalent character increases in the metal ligand bond, it will decrease the pairing energy because it will decrease the electrostatic repulsion. Okay, so suppose if we are talking about metal, the electrons were originally centered here, but when the electron charge cloud was expanded, जब आप metal ligand bond बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि there is increase in electron charge density in the internuclear region. तो आपने जब ये graph पढ़ा होगा तो कुछ ऐसा graph आता है, individual electron density और आपके जो आपका covalent bond का formation होता है, ठीक है, जो MO में आप बनाते हैं. तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा दैट मींस देयर विल बी इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन, जिसको हम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में बोल सकते हैं. ठीक है, दैट मींस ओरिजिनली जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड मेटल का यहाँ पे ही सेंटर था, नाउ इट इज गेटिंग एक्सपेंडेड हियर इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन टू फॉर्म द बॉन्ड विथ द लिगेंड, राइट?
टू फॉर्म द कोवेलेंट इंटरैक्शन और टू गेट अ कोवेलेंट इंटरैक्शन विद द लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को जो ओरिजिनली केवल यही स्पेस और मिला था, वो स्पेस चार्ज क्लाउड का एक्सपेंशन हुआ क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई। सो डेफिनेटली अगर हम लोग केवल मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो डेफिनेटली देयर विल बी लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द इंक्रीज इन द कोवेलेंस, जिसको हम लोग नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट भी बोलते हैं, आप लेटर स्टेज में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट व्हाट डज इट सेज, इट सेज दैट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंशन एक्चुअली रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड रिड्यूसेस द पेयरिंग एनर्जी एज कम्पेयर टू द फ्री आयन। अगर हम केवल फ्री आयन और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फ्री आयन में जो आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो कम्प्लीटली लोकलाइज्ड है मेटल पे, ठीक है। लेकिन अब हम अगर कॉम्प्लेक्स बनाए जहां पे मेटल लिगेंड बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड जो मेटल का होगा वो सम वॉट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की तरफ एक्सपेंडेड होगा, देन ओनली देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पार्ट आई थिंक आप समझते होंगे, उसी को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है, जो इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द इंटर न्यूक्लियर रीजन। सो दैट मीन्स नाउ योर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल हैज अ लार्जर स्पेस टू ऑक्यूपाई, लाइक लार्जर स्पेस टू एक्सपैंड, एंड दैट इज वाई देयर इज लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। So then there will be decrease in the pairing energy, and that is why we say that pi acetic ligands actually are stronger because they reduce the pairing energy in some way. Okay, or in which way? Because they are pi acetic ligand mein hamesha covalent character sabse zyada hai, theek hai, donation and back donation of electrons ki wajah se, right? And that is why the pairing energy will be the lowest in those cases, and that is why wo spectrochemical series mein carbonyl jo hai wo strongest ligand ki taraf jata hai, क्योंकि वो एक पाई एसिड लिगेंड है, मेटल और कार्बोनिल के बॉन्ड में बहुत अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर है, राइट, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा एंड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग पाई बैक डोनेशन, राइट। सो दिस पार्ट इज बेटर एक्सप्लेन थ्रू एमओ थ्योरी, बट आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट व्हाट व्हाट द पेयरिंग एनर्जी हियर इन दिस केस व्हाट डज इट से। ओके, नेक्स्ट द फैक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, so now it is on your own understanding. If iron is present in plus 2 oxidation state and if iron is present in plus 3 oxidation state, so what should happen, what should happen with the pairing energy? Two factors are there, can you account for those two factors? Ma'am, first factor is electron deficiency. So pairing energy should decrease because it is already electron deficient, so it will try to attain electrons. Yes, yes. So it is a good approach. Now just take this example. Whatever I am teaching here exactly, बहुत ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बट सिंस हम लोगों को थोड़ा समझना होगा पेयरिंग एनर्जी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द Fe3+ and Fe2+, दो चीजें हैं। Fe3+ में ये ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर है, इसका लेसर पॉजिटिव कैरेक्टर है Fe2+ का, बट Fe3+ में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और Fe2+ में मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इन डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स हैं, कैसे, जब हम Fe2+ से Fe3+ में जाते हैं तो देयर इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, बट ऑल, तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रहा है तो पेयरिंग एनर्जी भी डिक्रीज कर जानी चाहिए। सपोज आपके पास 5 ऑर्बिटल है, पहले उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते थे, अगर आप केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी लेसर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, राइट। सो अगर हम Fe2+ से Fe3+ में जाते हैं, Fe2+ में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, D6, Fe3+ में डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। सो Fe2+ में 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी ज्यादा होगा। Fe3+ में हम जब जाएंगे तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कॉम्पिटेटिवली कम होगा यहाँ पे, जो क्योंकि सारे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगली ऑक्यूपाइड है एक ऑर्बिटल में, ठीक है। बट Fe3+ में आपका जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा पॉजिटिव है बिकॉज इट हैज अ मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज कम्पेयर टू Fe2+। सो Fe3+ में एक और फैक्टर डोमिनेंट होगा, दैट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल। जो आप बोलते हैं ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल, राइट। सो ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन विल बी मोर इन Fe3+ एज कम्पेयर टू Fe2+। सो नाउ अगर ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो स्पेस कम प्रोवाइड होगा, तब तो पेयरिंग एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन टू डिफरेंट फैक्टर्स। यस मैम, यस। अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर दिया तो दो फैक्टर्स है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो घट जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी भी घट जाना चाहिए बिकॉज लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट। बट simultaneously whatever what else is happening, there is increase in the oxidation state of the metal center, right, and that is going to contract the orbitals. क्योंकि ज्यादा अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस है आपका तो वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा बिकॉज ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होगा वहां पे। अगर ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ जाएगा तो पेयरिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। सो मोस्टली ये देखा गया है, मोस्टली ये देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्शन इज साइज मोर प्रिडोमिनेंट फैक्टर है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट पीपल हैव मेड कि अगर हम एक पर्टिकुलर डी एन और डी एन माइनस वन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम मेटल आयन का देख रहे हैं, मतलब एक मेटल हमने 2+ लिया है, एक अगर 3+ लिया है, दो देयर इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन गोइंग फ्रॉम M2+ टू M3+, स्टिल मोस्टली देयर इज इंक्रीज इन पेयरिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेयरिंग एनर्जी मोस्टली इंक्रीज करता है, दैट इज वॉट वी हैव बीन ऑब्जर्व बिकॉज सेकेंड फैक्टर ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का फैक्टर मोर डोमिनेंट है ओवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फैक्टर। This is are you getting this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And ये एक तरह से समझा भी जा सकता है, कोबाल्ट 3 के ज्यादातर, मैंने पहले भी बताया था, कोबाल्ट 3 के ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेस है वो उनके, और भी खैर दैट वी विल डिस्कस लेटर, बट फॉर नाउ दैट व्हेन वी इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेंटली द पेयरिंग एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बट कोई कॉम्प्लेक्स लो स्पिन या हाई स्पिन बनेगा इस पे बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी भी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी है, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, गेन इन CFSE भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अभी तक हमने केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ही देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से क्या क्या हम पेयरिंग एनर्जी के बारे में क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट शुड बी पेयरिंग एनर्जी विल डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द डी ऑर्बिटल, ओके। पेयरिंग एनर्जी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल सेंटर, ओके। And pairing energy will decrease with decrease in the electron density that we already saw, right? And these three factors are all related. And pairing energy increases with decreases with increase in the covalent character. Okay, these four factors are related with your Coulombic repulsion or electrostatic repulsion. Next part is the loss of exchange energy. Okay, so second part is important. जो कल question पूछा था, right? If you all remember this one, okay, so we have this first arrangement is your initial arrangement. This represents the singly occupied orbital. Agar hamare paas ek p3 electronic configuration hai, p3, okay, so p3 mein electrons pehla jo टॉप मोस्ट अरेंजमेंट है, सपोज हमने ऐसे अरेंज किया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक को सायन कलर, एक को ब्लू और एक को रेड कलर से शो किया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स चूंकि इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, दैट मींस दीज थ्री कंडीशंस आर आल्सो पॉसिबल, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश तो किया नहीं जा सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन को नंबर वन नंबर टू इलेक्ट्रॉन पॉइंट आउट कर सके,
किया जा सकता है कि नहीं? नो मैम, नो मैम, नहीं किया yes. जा सकता। ये आपने पढ़ा भी होगा, जब हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डायटोमिक मॉलिक्यूल का हम लोग जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिराइव करते हैं, देयर आल्सो वी कम विद टुवर्ड दिस फैक्ट दैट हम कभी भी अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एच ए और एच बी दो एटम है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन वन हमेशा एच ए के को ही सराउंड करेगा और इलेक्ट्रॉन टू हमेशा एच बी को सराउंड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वन और टू को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, राइट? So same thing, that means electrons can exchange those positions. Here you can see three different kind of exchanges are possible, right? So when the electrons exchange their position in a set of degenerate orbital, there is particular electronic arrangement. और उसी समय decrease in energy का मतलब है कुछ energy loss होगी, जिसको हम बोलते हैं exchange energy. ओके, सो एक्सचेंज एनर्जी समझने में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सचेंज एनर्जी को एक्सप्लेन करना इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. मोस्टली इट इज अ क्वांटम, यू नो, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है. क्लासिकल एनालॉग इसका किसी ने कुछ बताया नहीं है, बट मेन फैक्टर यही है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, ठीक है? So, if you go by the definition that what is exchange energy is the amount of energy released when the electrons of parallel spins are actually exchanging position in a set of degenerate orbitals, right? So, ये चीज क्यों important है? पहले ये पढ़ना जरूरी है. So here I have written, if n is the number of electrons with parallel spin, then the exchange energy is given by Ea ko maine exchange energy bola hai, k into nn minus 1 divided by 2. Okay, so ye ek formula diya gaya tha exchange energy ko calculate karne ke liye ki for a given number of electrons which are having parallel spin, how we can calculate the exchange energy. ठीक है, ऐसा इसलिए क्या किया गया था कि एक इलेक्ट्रॉन को कितने पोजीशंस एक्सचेंज करने के लिए अवेलेबल है, उसके बेसिस पे ये एनर्जी कैलकुलेट की जाती है. ठीक है, बहुत डिटेल में आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, आई हैव जस्ट गिवन यू द फॉर्मूला दैट एक्सचेंज एनर्जी इज गिवन बाय के, प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है, एन इन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन. सो हियर इन दिस केस अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन इज 3. सो फॉर अ p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अगर हम एक्सचेंज एनर्जी को के फॉर्म में रिपोर्ट करें तो कितनी आनी चाहिए? व्हाट शुड बी द एक्सचेंज एनर्जी फॉर p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैम फॉर p3 यस 3 मैम 3 3k 3k यूनिट्स, व्हाटएवर यूनिट वी आर, के को हमें बाद में रिड्यूस करना पड़ता है. और ये भी एक फैक्टर है कि एक्सचेंज एनर्जी की बहुत सी चीजें वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन बिकॉज के को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है. ठीक है, सो हियर ऑन दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली वी कैन रिड्यूस दैट अगर हमारे पास p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो n विल बी 3, राइट? 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 2, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 3. 3k will be your exchange energy for the p3 electronic configuration. Okay, if एक छोटा सा exercise है, d9 electronic configuration के लिए can you calculate the exchange energy? ये इसलिए calculate करा रही हूँ कि low spin से high spin में जाने पे कितना loss of exchange energy है, that we have to see. Okay. 36k. 36. d9 के लिए, I think it is not the correct answer. Anybody else? 18k. Yes, 10k. 10k. D9 में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक स्पिन के एक जैसे इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5. तो पहला नंबर तो 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, एक नंबर हो गया 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स डाउन स्पिन के हैं, राइट? सो पहला फैक्टर होगा 5 × 5 − 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 × 4 − 1 divided by 2. Is it so? Yes, ma'am. Right. It should be the pairing energy.
सॉरी एक्सचेंज एनर्जी 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन की अप स्पिन है, पैरेलल स्पिन की बात हो रही है। अगर आपने 9 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ काउंट किया तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन की डाउन स्पिन भी है, ठीक है। सो व्हाट वी डू, 5 इलेक्ट्रॉन की अप स्पिन है उसको हमने एक जगह ले लिया 5 × 5 − 1/2, 4 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन डाउन है 4 × 4 − 1/2, व्हाट इट विल बी, आंसर विल बी 16 K, right? So in this way, the exchange energy is calculated. Now we have to see that how it is relevant for our case. We said that pairing energy is dependent on the loss of exchange energy. ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अब electrons को जो singly occupied orbital में electrons पहले present थे, अगर हम उनको doubly occupied करते हैं तो इफ देयर इज अ लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, कितना लॉस हो रहा है एक्सचेंज एनर्जी का, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, सो ओके, सो इट इज अ लिटिल बिट, एक्चुअली हियर इट इज, देयर आर लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन दिस पार्ट। ओके, और करेक्टली ना, इससे आपको समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस? यस मैम। पॉसिबिलिटीज हाई स्पिन एंड लो स्पिन। ओके, सो यस, ओके, सपोज वी हैव अ सिस्टम D6, ठीक है, D6 सिस्टम है, तो हमारे पास हाई स्पिन स्टेट में, सॉरी, D6 सिस्टम में हाई स्पिन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G और EG का? T2G4 EG2, ये हो गया हाई स्पिन, राइट। लो स्पिन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G6 EG0, ठीक है। D6 में इन जनरल आपके पास जो मेटल फ्री आयन है 1, 2, 3, 4, 5, एक वन इज एक्स्ट्रा, ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन तो आपका वैसे भी नेचुरली भी पेयर होगा स्टेबल स्टेट में, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन से 5 आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ओके, सो अब आपका जो हाई स्पिन स्टेट है, हाई स्पिन स्टेट में एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी? हाई स्पिन स्टेज में एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी? 7 7 k। एनी अदर आंसर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव अप स्पिन मैम? 10 k। 10 k इज द, नो नो, 10 k इज, व्होएवर हैज सेड 10K is the correct answer. कैसे? आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स अप स्पिन में होंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल बी इन अ डाउन स्पिन स्टेट, होगा कि नहीं? यस मैम। एवरीबॉडी, अगर नहीं समझ में आया तो आई विल, दिस इज द, यू नो, दिस इज द, यू नो, ड्रॉबैक ऑफ नॉट यूजिंग द व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ओके, सो T2G6 का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 and 6, this is your high spin electronic configuration, is it so? यही आपका high spin electronic configuration होगा, ठीक है? So number of electrons with the up spin is 5, number of electrons with the low spin is 1, down spin is 1, okay? That means your formula 5 × 5 − 1/2 + yes, so it will be 10K, right? And the low, the in the low spin state, what will be the loss of exchange energy? 6K. No, loss nahi. This is the total exchange energy. That means on going from high spin to low spin, how much should be the loss of exchange energy? High spin se low spin 4K. Yes. Now are you getting this? Now we have got the value that for a D6 electronic configuration, if we move from the high spin to the low spin, the loss of exchange energy will be equal to 4K. ठीक है, इतना है। अब दूसरा फैक्टर, तो हाई स्पिन से लो स्पिन में जाने में हमने पहले कैलकुलेट किया लॉस ऑफ एक्सचेंज
energy, right, which was 4k, right. Now high spin से low spin में जाने पे आपको कैलकुलेट करना है गेन इन सीएफएसी. अच्छा, हाई स्पिन से लो स्पिन में जाने पे आर्बिट्रेरली बताइए, हमेशा गेन ही होगा सीएफएसी में, क्योंकि लोअर ऑर्बिटल ज्यादा ऑक्यूपाइड होंगे, मतलब एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. सो डी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हाई स्पिन से लो स्पिन में जाने पे कितना होगा गेन इन सीएफएसी, कैन एनीबडी टेल? ठीक है, मैं ही बताती हूँ. अगर आपको यहाँ पे सीएफएसी कितना होगा कैलकुलेट करिए. मैम सीएफएसी तो मैम -0.4 इनटू एक्स प्लस टी2 जी प्लस 0.6 इनटू बाई प्लस जितना सारा पेयरिंग एनर्जी. नहीं नहीं, अभी पेयरिंग एनर्जी मत, पेयरिंग एनर्जी का हमने एक्सचेंज एनर्जी के फॉर्म में रख लिया. ठीक है, मैं ये बस पूछ रही हूँ, ये आपका हाई स्पिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका सीएफएसी कितना होगा, इतना ही बताइए. हाई स्पिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था D6 के लिए, इसका सीएफएसी कितना है? जीरो. नहीं, -0.8 डेल्टा हो. यही होगा, -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2. अगर आपको याद होगा तो बैरी सेंटर से 0.6 डेल्टा ओ अप है आपका ईजी, बैरी सेंटर से -0.4 नीचे है आपका टी टू जी. सो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर? -0.4 डेल्टा ओ, राइट. रिपीट करिए मैम, रिपीट कर दीजिए. हाँ, अच्छा एक सेकेंड, ये कैलकुलेशन मैं आपको इस पे ही मैंने रखा है, यहीं से शो करती हूँ. ठीक है, यही है. सपोज आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यही वाला है लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, यही आपका है डी सिक्स का हाई स्पिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही है जो लेफ्ट साइड में दिया गया है. यस मैम. ओके, सो यही आपका डी सिक्स में होगा. पहले आपने 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया, T2G, EG सिंगली ऑक्यूपाइड थे, फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स को डाउन स्पिन में लाया. ये हाई स्पिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन राइट हैंड साइड का होता, ठीक है, जहां पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में ही पेयर अप हो गए. इज इट क्लियर? अब आपका लेफ्ट साइड में सीएफएसी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, बैरी सेंटर से -0.4 नीचे है आपका T2G, बैरी सेंटर से +0.6 डेल्टा ओ ऊपर है आपका EG. ईजी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो +0.6 इंटू 2. टी टू जी ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है. टी टू जी ऑर्बिटल कितना नीचे है बैरी सेंटर से, -0.4 डेल्टा ओ, दैट मीन्स -0.4 इंटू 4 +0.6 इंटू 2, दिस विल बी -0.4 डेल्टा ओ. एम आई क्लियर? यस मैम. यस मैम. Am I clear? For low spin, अब आपके पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सारे ही T2G orbital में है. It is easy, -0.4 into 6, यानी कि -2.4 delta O. तो low spin में CFSE है -2.4 delta O, high spin में CFSE है -0.4 delta O. ठीक है, मेरा question था gain in CFSE तब किस state में ज्यादा होगा, low spin में कि high spin में? लो स्पिन में मैम. यस मैम, लो स्पिन में. यस, क्योंकि सीएफ. यस, गुड. तो गेन इन सीएफएसी हमारा लो स्पिन में ज्यादा हुआ मैम, तो लो स्पिन में ज्यादा होगा मैम. यस, सो हाई स्पिन से लो स्पिन में डी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए कितना अमाउंट गेन होगा सीएफएसी का? 2 डेल्टा 2.2 डेल्टा. यस यस, वेरी गुड. ठीक है, -2.0 डेल्टा ओ, राइट, दैट विल बी योर गेन इन सीएफएसी. ठीक है, सो टुडे मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, दैट हाउ वी कैन अकाउंट फॉर लॉस इन एक्सचेंज एनर्जी ऑन मूविंग फ्रॉम हाई स्पिन टू लो स्पिन, एंड हाउ वी कैन अकाउंट फॉर द गेन इन सीएफएसी ऑन मूविंग फ्रॉम हाई स्पिन टू लो स्पिन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किस लिए है कि ये कंपेरेबल अकाउंट है. अगर आप एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो D4 और D5 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादातर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लो स्पिन के एग्जांपल बहुत कम है. D6, D7 में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एग्जांपल कॉम्पेरेटिवली ज्यादा है.
तो ये एक टेबल हम लोग बनाते हैं कि किसमें कितना गेन इन सीएफएसई है, किसमें कितना लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी है, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं. सो जो हमारा नेक्स्ट टास्क है दैट इज टू प्रिपेयर दिस टेबल फॉर D4, D5, D6 एंड D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इन सभी में हाई स्पिन और लो स्पिन में क्या डिफरेंस है, कितना गेन इन सीएफएसई है और कितना लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी है. ओके सो अभी अभी जो भी कुछ हम लोग क्रिस्टल फील्ड में पढ़ रहे हैं सब कुछ थोड़ा कैलकुलेशन का है. इट वुड हैव बीन रियली इजियर एंड बेटर फॉर अस टू स्टडी इट ऑफलाइन, तो हम लोग बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते थे, बट नाउ वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूजिंग द व्हाइट बोर्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, D4 में आपको बताना है कितना है गेन इन सीएफएसई और कितना है लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ये आपको बताना है D4 सिस्टम के लिए. D6 का हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी. मैम D4 लो स्पिन की हाई स्पिन नहीं, गेन इन सीएफएसई का मतलब है जब हम D4 में हाई स्पिन से लो स्पिन में जाते हैं तभी गेन इन सीएफएसई होगा. मैंने आपने देखा ही ऑलरेडी D6 के एग्जांपल से कि लो स्पिन का सीएफएसई ज्यादा है, हाई स्पिन का सीएफएसई कम है. जब हम हाई स्पिन से लो स्पिन में जाएंगे तो गेन इन सीएफएसई होगा. ठीक है, सो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए गेन इन सीएफएसई कितना होगा फ्रॉम ऑन मूविंग फ्रॉम हाई स्पिन टू लो स्पिन. ठीक है मैम, लॉस इन एक्सचेंज एनर्जी 3K, दैट इज द करेक्ट आंसर. लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी विल बी 3K. एंड अगर सीएफएसई कैलकुलेशन 1.0 अगर कैलकुलेशन में डिफिकल्टी है तो हम लोग D4 का भी केस देख सकते हैं. गेन इन सीएफएसई D4 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, दो स्टेट आपका पॉसिबल है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हाई स्पिन स्टेट है, राइट हैंड साइड आपका लो स्पिन स्टेट है. ठीक है, मैंने कल D4 से ही स्टार्ट किया था कि D3 तक तो हमारा सिंपल है. D4 स्टेट में हमने ये देखा कि दो पॉसिबिलिटी थी, एक में जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, दूसरे में पेयर अप हो गया. सीएफएसई लेफ्ट हैंड साइड मतलब हाई स्पिन स्टेट के लिए सीएफएसई है 3 × −0.4 +0.6 × 1, इट विल बी −0.6 ΔO और 6 dQ. अभी पेरिक एनर्जी हम लोग नहीं अकाउंट कर रहे हैं, केवल ΔO की बात करते हैं. तो सीएफएसई D4 लो स्पिन के लिए होगा −1.6 ΔO. ठीक है, सो गेन इन सीएफएसई कितना होगा −1.6 ΔO −0.6 ΔO, दैट मीन्स −1.0 ΔO. ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को भी समझने में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क फ्रीली, कोई हेजिटेट मत करिए क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है. तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. मैम नोट करने दीजिए. हाँ नोट कर लीजिए, आई विल शेयर इट एक्चुअली, इवेंचुअली आई विल शेयर द स्लाइड्स आल्सो, बट बेटर है कि आप नोट करिए. ठीक है, आगे बढ़े, शुड वी मूव फॉरवर्ड. अगर कोई डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क. वी कैन मूव फॉरवर्ड, इट्स क्लियर. ओके, सो दैट मींस द दिस केस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द गेन इन सीएफएसई इज 1.0 ΔO, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इज 3K. D6 सिस्टम के लिए अभी हमने निकाला कि आपका गेन इन सीएफएसई था 2.0 ΔO, while loss of exchange energy was 4K, I guess. 3K. For D6 system. D6 में 4K था. Sorry. D6 system में 4K था. ठीक है. So, अब एक चीज है. आपके पास दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेटा है. D4 का आपके पास डेटा है गेन इन सीएफएसई 1.0 ΔO है, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी 3K है. ठीक है, D6 में गेन इन सीएफएसई 2.0 ΔO है, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी 4K है. तो D4 और D6 में से लो स्पिन स्टेट का कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी.
मैम डी सिक्स यस क्योंकि D6 में आप अगर देखें देयर इज इंक्रीज इन द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, मतलब पेयरिंग एनर्जी बढ़ जरूर रहा है बट इंक्रीज कितना है, लेस देन अ फैक्टर ऑफ 2, लेकिन गेन इन सीएफएसी डबल है, मतलब जितना ज्यादा गेन इन सीएफएसी होगा कंपाउंड उतना ज्यादा उसी स्टेट में स्टेबल होगा जहां सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती, अगर हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो ठीक है. सो दैट मीन्स D6 कॉम्प्लेक्सेस में गेन इन सीएफएसी As compared to loss of exchange energy, dominant factor है जब हम high spin से low spin state में जाते हैं. That means D6 complexes की या D6 configuration की low spin state complex बनाने की tendency ज्यादा होगी. अब ये factor इसलिए ये factors के बहुत से limitation है, ये इस पर भी depend करता है कि ligand कैसा है. जैसे कोबल्ट प्लस 3 है D6 सिस्टम है लेकिन वाटर के साथ लो स्पिन बनाता है, फ्लोरीन के साथ हाई स्पिन बनाता है, ठीक है. सो ये एक लिगेंड का तो फील्ड एक फैक्टर है ही, बट अगर हम बाकी फैक्टर्स को छोड़ के गेन इन सीएफएसी और लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी के टर्म में बात करें तो ये एक डोमिनेंट फैक्टर होगा. मैं बाकी फैक्टर्स क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि आपका जो पेयरिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी प्लस पी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक है, ये दोनों को मिला के आपकी पेयरिंग एनर्जी आती है, ठीक है. एक्सचेंज एनर्जी के साथ साथ रिपल्शन वाला फैक्टर भी ध्यान रखना होता है. तो हमने इसमें से केवल एक फैक्टर को काउंट किया था यहाँ पे, केवल लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी को. तो अगर हम D4 से D6 में जाते हैं तो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी बढ़ता है, बट कितना बढ़ता है, 4/3, मतलब लेस 1 point something के अकाउंट से बढ़ता है, बट आपका गेन इन सीएफएसी ऑलमोस्ट डबल है, कम्प्लीटली डबल हो जाता है. That means D6 हमेशा low spin state में D4 के low spin के state की तुलना में ज़्यादा stable होगा. So you have to do only one thing today. You have to do the same calculation for D5 and D7 as well. जो हमने gain in CFSE and loss of exchange energy का calculation किया, तो हमने D4 और D6 के लिए किया है, D5 और D7 के लिए आपको करके आना है. ये मैं इसलिए करवा रही हूँ कि इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि सपोज अभी कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा ही गया कि कोबाल्ट 3 प्लस के ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन स्टेट के क्यों होते हैं, जबकि क्रोमियम 3 प्लस के या क्रोमियम 2 प्लस के कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन हो सकते हैं, ठीक है. तो एक रीजन आपका यही है, लॉस ऑफ गेन ऑफ सीएफएसी जो है यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू D4 सिस्टम, ठीक है. सो वी विल डिस्कस इट इन अगेन इन द अपकमिंग क्लास, बट तब तक के लिए D5 और D7 का आप लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज गेन इन सीएफएसी दोनों के लिए कैलकुलेट करके रखिएगा, ठीक है. सो दैट हम लोग उसको यस मैम एक डाउट था. यस मैम, जैसा कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का था, मेटल जब प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसका साइज जो होगा वो कंपैरेटिवली प्लस 2 के ज्यादा छोटा हो जाएगा. हाँ. तो मैम जो हम लोग पढ़ते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर में फिजलांस रूल में कि स्मॉलर साइज के टाइम्स ज्यादा पोलराइजेशन कॉज करते हैं. हाँ. तो फिर वो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से तो पेयरिंग एनर्जी डिक्रीज हो जानी चाहिए ना मैम. यस यस, देखो दैट इज ये भी एक फैक्टर है, अगर इस तरह से समझेंगे दैट इज वाई मैंने एक एक फैक्टर को एक एक करके समझाया है. आप ही का एग्जाम्पल है जो D6 में हम बोल रहे हैं कोबाल्ट 3 है, ठीक है, D6 स्टेट है, ठीक है. कोबाल्ट 3 को हम बोल रहे हैं कि ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन के बनाएगा, जबकि कोबाल्ट 2 के कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन के होते हैं, ठीक है. तो आइडियली अगर हम केवल एक फैक्टर को लेके चलते तो कोबाल्ट 3 का कॉम्प्लेक्सेस भी पेयरिंग एनर्जी यहाँ बढ़ जाती, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है मेटल का तो पेयरिंग एनर्जी बढ़ जाती, तो इसको हाई स्पिन का होना चाहिए था. आर यू गेटिंग दिस? बट स्टिल द कॉम्प्लेक्सेस आर लो स्पिन ऑफ कोबाल्ट 3. सो केवल एक फैक्टर को हम लोग रख के नहीं चल सकते हैं, वी हैव टू कंसिडर, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को रख रहे हैं सो देयर ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, गेन इन सीएफएसी, कितना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये सारे फैक्टर्स का समेशन है प्रेडिक्शन ऑफ लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. सो एक चीज और है कि आर्बिट्रेरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट हमेशा वो लो स्पिन हाई स्पिन का हम करेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पाते क्योंकि हम ये सारे फैक्टर्स को काउंट नहीं कर सकते हैं. सो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करते हैं तो आपका पेयरिंग एनर्जी डिक्रीज कर जाना चाहिए, वो ऑलरेडी हम लोग बात भी कर रहे थे कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर दिया है तो वैसे भी पेयरिंग एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज कर जानी चाहिए थी. बट ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन एक लार्जर फैक्टर है और
उसकी वजह से ये ऑब्जर्व है कि पेयरिंग एनर्जी इंक्रीज, एक्चुअली पेयरिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। फिर भी आपके क्वेश्चन के साथ एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि अगर कोबल्ट 2 से कोबल्ट 3 में जाने पे पेयरिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही है, बट स्टिल वी आर गेटिंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबल्ट 3 एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबल्ट 2, ठीक है। तो वहां पे अगेन द फैक्टर ऑफ लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड गेन इन सीएफएसी कम्स। सो व्हेन वी प्रेडिक्ट, वी हैव, यू हैव वेरी वेल स्टडीड ऑल द रूल्स एंड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, राइट। हम उसको अप्लाई करके बता सकते हैं, बट सारे के सारे फैक्टर्स वी कैन नॉट अकाउंट फॉर समथिंग विच इज हैपनिंग यू नो इनसाइड अ सॉल्यूशन और इनसाइड अ मिक्सचर, हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द वन बेस्ट वे ऑफ यू नो वे ऑफ प्रेडिक्शन और यू नो एक्सप्लेनेशन इज देयर। अदरवाइज बहुत से फैक्टर्स हैं, अगर आप काउंट करेंगे तो न्यूमरेबल फैक्टर्स विल बी देयर, हम किस कंडीशन में कंपाउंड रखे हैं, क्या सॉल्वेंट यूज किए हैं, क्या टेम्परेचर दिए हैं, एवरी मतलब लॉट्स ऑफ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स इज देयर। सो फॉर नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू रिलाई ऑन टू फैक्टर्स फॉर पेयरिंग एनर्जी, वन वॉज द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, अदर वॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इन सम केसेज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन correctly predict the pairing energy, while in some other factor we have to take help of the loss of exchange energy. It is actually summation of these two factors. None of the factor is solely responsible for pairing energy, because agar aapne electrostatic repulsion ke basis pe hi keval predict kiya to exchange energy aap yani ki nahi count kar rahe, so it will not be a correct prediction of pairing energy. So pairing energy predict karte samay size of orbital, covalent character, oxidation state, loss of exchange energy and gain in CFAC, these factors are important. And pairing energy ke baad low spin aur high spin complex ko predict karne ke liye ek aur factor hai, wo hai amount of delta O, kitna crystal field splitting hai, theek hai. So that we will see in next class, and I think for today we have explained it. I have explained all of the factors. आगे आपको मुझे पता है इसमें you will be having different questions and lots of questions, so you can ask in the classroom and try to solve it for D5 and D7 system. Okay? Yes. Now you can leave. Yes. Madam. Janvi. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, I'm saying that please share the slides. Yes, today's slide, I will share these slides. And Karthikeya, what is your question? Ma'am, actually, you have just posted one question, ma'am, that is in the non-centrosymmetric. So, in the non-centrosymmetric, can I consider that the ligand is different? Yes, that is exactly. Ligand is different, but only one ligand is different. Like okay. In the case of CONH3, I will just change the question, and in the place of non-centrosymmetric, I will write the exact complex. Okay, I do, then it will be easier for you to answer. Ma'am, okay? उसमें तो ma'am P जो होगा वो उसका P का energy level थोड़ा सा increase हो जाएंगे, but split होंगे ma'am, ये doubt है मेरे को. नहीं तो doubt है, वो तो मुझे पता है, इसीलिए तो question पूछा गया है. पहले आप answer करिए, then we will discuss about it. Okay? मैम, और वन मोर क्वेश्चन, वो जो आप सिमेट्री का जो क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में सिर्फ मेरे को बताने हैं कि हाउ द सिग्मा बॉन्ड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड उसके साइन को दिखाने मैम. यस ओके मैम, आई जस्ट गॉट इट. मैम यस मैम, वन मोर मैम, लॉस ऑफ एक्सचेंज. यस शिवांगी, सॉरी मैम, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी तो हमारी पेयरिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी मैम? बढ़ेगी ना, जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी लॉस करेगा उतना ज्यादा पेयरिंग एनर्जी बढ़ेगा. ओके मैम. ओके देन यू कैन लीव द क्लास, वी विल डिस्कस, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.